जय श्री राम सभी को। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या मनुष्य के कर्म बकाया रह जाते हैं तो उसे पुनः जन्म मिलता है? क्या प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए दोबारा जन्म मिलता है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने पर भी वह है वैसे ही, पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होने पर भी है, यानी कि जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनसे साक्षात्कार नहीं होने पर भी उसकी सत्ता समाप्त नहीं हो जाती, और ना ही किसी के नहीं मानने से। जैसे परम प्रभु परमात्मा ही वह अदृश्य सत्ता है, वह परम ऊर्जा है जिसके द्वारा यह सारी सृष्टि संचालित हो रही है। पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि सभी ग्रह अपने अपने गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा सोचिए, क्या ये सभी अपने आप हो रहा है? नहीं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में न्यूटन द्वारा प्रतिपादित जड़त्व का नियम है कि किसी भी स्थिर पिंड पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई पत्थर छत पर रखा हुआ है तो क्या जब तक किसी व्यक्ति द्वारा उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वह अपने आप नीचे गिर सकता है? नहीं गिर सकता। और जब उस पर बल लगाया जाएगा तो ही वो छत से नीचे गिरेगा। तो उसी प्रकार जो परम प्रभु परमात्मा है, उनकी ऊर्जा के द्वारा ही ये समस्त सृष्टि संचालित हो रही है। तो आइए बात करते हैं कि ज्योतिष के द्वारा कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति इस जन्म से पूर्व के जन्म में किस लोक में था। तो आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको ये देखना है, नंबर वन, कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से कौन सा ग्रह अधिक बलवान है। नंबर टू, कि सूर्य और चंद्रमा में से जो ग्रह बलवान हो वह ग्रह द्रैसकोण कुंडली में यानी कि D3 चार्ट में कौन से भाव में बैठा हुआ है। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि सूर्य और चंद्रमा में से जो ग्रह बलवान हो तो उस बलवान ग्रह को देखना है D3 चार्ट में यानी कि द्रैसकोण कुंडली में कि वह कौन से भाव में बैठा है। वह जिस भाव में बैठा है उस भाव में राशि देखो, कितने नंबर लिखा हुआ है। अब उस राशि के स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म का पता लगाना है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति किस लोक में था। नंबर तीन, कि यदि वहां 1 और 8 लिखा है यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि लिखी हुई है तो इनका स्वामी हो गया मंगल। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि यदि उस भाव का स्वामी मंगल है तो पूर्व जन्म में वह व्यक्ति मृत लोक में यानी कि पृथ्वी लोक पर ही था, और
यदि 2 नंबर और 7 नंबर की राशि हो तो इट मीन्स हो गया कि 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर हो गई तुला राशि। तो इन दोनों का स्वामी हो गए शुक्र। तो इसका अर्थ हुआ कि इस जन्म से पहले के जन्म में व्यक्ति पितृलोक में था और अब उसको पृथ्वी लोक पर जन्म मिला है। यदि उस भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, तो इनके स्वामी हो गए बुध। तो इससे पता लगेगा कि इस जन्म से पिछले जन्म में व्यक्ति किसी नरक लोक में था और वहां दुख भोग करके और फिर इस पृथ्वी लोक में उसको जन्म मिला है। नेक्स्ट है 4 नंबर लिखा हो कि यानी कि कर्क राशि हो, कर्क राशि के हो गए चंद्रमा स्वामी। तो इससे तात्पर्य हुआ कि इस जन्म से पूर्व जन्म में वह व्यक्ति पितृलोक से आया हुआ है यानी कि पहले पितृलोक में था। यदि वहां 5 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो इससे पता लगेगा कि इस जन्म से पहले वह व्यक्ति पृथ्वी लोक पर ही था और अब की बार भी उसको जन्म पृथ्वी लोक पर ही मिला है। नेक्स्ट, यदि उस भाव में 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है यानी कि धनु राशि और मीन राशि लिखी हुई है, तो इनके स्वामी हो गए गुरु। तो ऐसा जातक पिछले जन्म में देवलोक में था और वहां सुख भोग कर अब पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। यदि उस भाव में 10 और 11 नंबर लिखा हुआ हो यानी कि मकर राशि कुंभ राशि हो, राशियों के स्वामी हो गए शनि, तो इससे पता लगेगा कि वह व्यक्ति पूर्व जन्म में यानी कि इस जन्म से पहले नरक लोक में था और वहां बुरे कर्मों का फल भोग कर अब पृथ्वी लोक पर उसको जन्म मिला है। यदि इन राशियों के स्वामियों की अवस्था द्रैस्कोण कुंडली यानी कि D3 चार्ट में उच्च की स्थिति हो तो पूर्व जन्म में जिस लोक में था उसमें श्रेष्ठ स्थिति में था और सामान्य स्थिति यदि है तो मध्यम स्थिति में, और यदि उस राशि के स्वामी की स्थिति नीच अवस्था में है यानी कि नीच का होकर के कुंडली में D3 चार्ट में बैठा है तो इससे पता लगेगा कि पूर्व जन्म में जिस भी लोक में था, जो पहले ऊपर के नियमों से देखा है, तो उस लोक में निम्न कोटि की अवस्था में था, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में किस लोक में थे और क्या स्थिति थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपकी कुंडली क्या कहती है आपके बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करें और एस्ट्रो चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।